गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शमाइला बाय फूड बाय शमी। टुडेज रेसिपी इज़ ब्लैक चिक पीस चाट, सो लेट्स मेक विद मी। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार चटकारेदार काले चने की चाट लेके आए हैं। ये इफ्तार में बहुत ही क्विक तैयार हो जाता है, हम इसे 10 मिनट में तैयार कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे तैयार करते हैं, लेट्स मूव। तो सबसे पहले हमने 2 कप्स बॉयल चने ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह हमने बॉयल कर लिया है। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया हमने। 1/4 का हम इमली का पल्प ले लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ले लेंगे, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लेंगे, नमक टू टेस्ट ले लेंगे हम, 2 टीस्पून चाट मसाला ले लेंगे हम। फिर हम एक पैन हीट करेंगे, उसमें 3/4 कप ऑयल ऐड करेंगे, चॉप की हुई प्याज ऐड कर लेंगे हम, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को हम। मीडियम हीट रखेंगे हम, फिर इसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर को ऐड कर लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मीडियम हीट रखना है हमें, इसके बाद इसमें हम चॉप की भी हरी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे, हल्दी ऐड कर लेंगे हम, चाट मसाला ऐड कर लेंगे हम, चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे हम और नमक भी ऐड कर लेंगे। इसको हम पकाएंगे सॉफ्ट होने तक प्याज और टमाटरों को। फिर इसके बाद इसमें हम काले चने ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे हम। फिर इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे हम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इसके बाद इसका कवर हटाएंगे हम, फिर इसमें हम इमली का पल्प ऐड कर लेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर 5 मिनट्स के लिए अगेन इसको लो हीट पे हम कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट बाद इसका लिड हटाएंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे हम और फिर इसके बाद इसमें बॉयल किए हुए आलू छोटे छोटे पीसेस कट करके हम ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे हम। फिर इसमें 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। फिर हम इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे हम। हमारी छोले चाट रेडी है, इसको होममेड पापड़ी के साथ हमने सर्व कर दिया है। इफ्तार में मज़ेदार से छोले चाट इन्जॉय करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय सकला।